नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि महंगी डोज वर्सेस सबसे सस्ती डोज के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जहां पर आपको एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण खाद की जानकारी मिल सके, जिसमें कि धान की खेती में पहले खाद से लेकर आखिरी खाद तक आपको कौन कौन सी डोज कब कब लगानी है, कितनी मात्रा में लगानी है, ये आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। और फिर इसका सब्स्टिट्यूट जो कि बहुत सस्ती डोज है वो भी आपको एक वीडियो के माध्यम से मिल जाए, तो इससे अच्छा आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी डोज बताने जा रहा हूं जिनसे आप अपनी धान की संपूर्ण फसल को किसी भी दूसरी वीडियो की सलाह लिए बिना पूरा पका सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आपको किसी दुकानदार की भी ये बातें नहीं सुननी है कि वो कुछ भी दवाएं उठा के दे रहा है और आप लाके कुछ भी लगा रहे हो। आपकी डोज सस्ती होगी, आपकी नॉलेज के अनुसार होगी और आपकी फसल की ज़रूरत के अनुसार होगी। साथियों, यहाँ पर सबसे पहले बताने जा रहा हूँ उन किसान भाइयों का जो सवाल रहता है ना कि पहली डोज में कौन कौन से खाद हमें लगाने चाहिए, क्योंकि रोपाई का समय चल रहा है और पहली डोज में जो सबसे पहला खाद है वो हमें 36 से 72 घंटे के अंदर लगा देना चाहिए। जहाँ तक सवाल है 1509 या 1692 या किसी भी दूसरी किस्मों का, ठीक है, सभी किस्मों में पहला खाद तो हमें 36 से 72 घंटे के अंदर ही लगा देना चाहिए। यहां पर पहले खाद के अंदर हमें यूरिया खाद 35 किलोग्राम, रीजेंट 6 किलोग्राम, सागरिका 6 से 10 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सबसे पहली डोज के अंदर लगाना है। जिन भी किसान साथियों ने ये डोज सबसे पहले 36 से 72 घंटे के अंदर लगाई, उनके खेतों में क्या लाभ देखने को मिलेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं कि उनके पौधे की ट्रिलिंग, जो जड़ों में क्राउन रूट्स निकलती हैं, सफ़ेद जड़ें निकलती हैं, वो मिट्टी को पकड़ने का काम 36 से 72 घंटे के बीच में करती हैं। और इस समय पर उन सफ़ेद जड़ों को यहाँ खादों की ज़रूरत होती है और वो खाद माइक्रो न्यूट्रिएंट खेतों से जब उन्हें एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि मिट्टी में पड़े हुए न्यूट्रल खादों को वो तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और जो बुरकाव के माध्यम से दिया गया खाद होता है वो उन्हें तेज़ी से अट्रैक्ट कर लेती हैं और बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करती हैं। साथियों, यहाँ पर पहली डोज के अंदर आप ये कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मुलेशन यूज करिए। सागरिका आप यहाँ 6 किलोग्राम से 10 किलोग्राम जो लिखा हुआ है 5 किलोग्राम भी ले सकते हैं पहली डोज के अंदर। ह्यूमिक एसिड आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से भी ले सकते हैं पहली डोज के अंदर, ठीक है। लेकिन यूरिया खाद और रीजेंट आपको 6 किलोग्राम ही लेना है। जिन भी किसान साथियों ने रीजेंट यहाँ पर यूज नहीं किया है पहली डोज में, वो 15 दिन पर एक स्प्रे फिप्रोनिल प्लस थायमोथॉक्सम, यहाँ पर 30% जो डेविल के नाम से आता है उसमें 250-250 ग्राम का कॉम्बिनेशन करके स्प्रे ज़रूर करें। साथियों, यहाँ पर दूसरे खाद की अगर मैं बात करूँ तो ये देना होता है हमें 12 से 15 दिन पर। 12 से 15 दिन के समय पर हमें खाद देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए क्योंकि जब क्राउन रूट्स हमारी मिट्टी में अच्छे से सेटल्ड हो चुकी होती हैं, पौधा बिल्कुल फुटाव करने के लिए तैयार खड़ा होता है, उस अवस्था में हमारे पौधे को ऐसे खादों की ज़रूरत होती है जो कि फुटाव निकालने में बहुत माहिर हों। और यहाँ पर यूरिया खाद आप 35 किलोग्राम लेंगे और उसके साथ आपने कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम लेना है दूसरे खाद के अंदर, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड पाउडर फॉर्म में ही लेना है, आपको नाइट्रेट यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, मात्र कैल्शियम क्लोराइड 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ह्यूमिक एसिड आप 1 किलोग्राम इसके साथ में मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव करिए। यहाँ पर यदि आपने पहली डोज के अंदर सागरिका और ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन नहीं डाला है तो आप यहाँ पर सागरिका को मिला सकते हैं 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरी डोज के अंदर, ठीक है। अब वो किसान साथी जो कि 15 दिन पर स्प्रे नहीं करना चाहते हैं, कीटनाशक कोई नहीं डालना चाहते हैं, उन किसान भाइयों के लिए यहाँ पर मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो यहाँ पर या तो फर्टेरा लगभग 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें या फिर वर्टा को 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी डोज के साथ मिला के बुरकाव कर सकते हैं। एक लंबी अवधि का कीटनाशक यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीसरे खाद की अगर बात करें तो ये 22 से 25 दिन का समय आ जाता है और 25 दिन के समय पर आपको यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ फेरस सल्फेट 6 किलोग्राम लेना है, इसके साथ जिंक सल्फेट 6 किलोग्राम मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव करें, आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, यहाँ पर हमारे खाद लगभग कंप्लीट हो जाते हैं क्योंकि 25 दिन तक हम लगभग सभी यूरिया दे चुके होते हैं पौधे को, जहां तक 1509 और 1692 किस्मों की बात है। दूसरी किस्मों के लिए या 1509 किस्म में चौथी डोज भी लगाने की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो किस समय पर, जब
40 से 45 दिन का समय आ जाता है जब पौधे की गांठें बनने लगती हैं, और तने में बनी हुई गांठें वहां पर बालियों को जन्म दे रही होती हैं, और बालियां जहां पर हल्के हल्के फुटाव कर रही हों, अंकुरित हो रही हों, उन बालियों को वहां खादों की जरूरत होती है। और वो खाद कौन से होने चाहिए, यहां पर आपको यूरिया खाद मात्र 20 किलोग्राम लेना है बुरकाओं के माध्यम से लगाने के लिए, क्योंकि यूरिया की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूरिया खाद मात्र बुरकाओं का माध्यम बनाने के लिए हमें 20 किलोग्राम लेना है। सल्फर यहाँ पर WDG 3 किलोग्राम बुरकाओं के माध्यम से लगाने के लिए 90% वाली लेंगे। पोटास यहाँ पर आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, 0050 ले सकते हैं। बोरोन आप यहाँ पर 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खादों के साथ मिला के ही बुरकाव करना है। ये मात्र 4 डोज हैं जिनके माध्यम से आपके धान की फसल पूरी पकाई जा सकती है। इसके अलावा कोई दूसरे खाद लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बहुत से किसान साथी इनके अलावा भी स्प्रे के माध्यम से दूसरे खाद देने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, उनको मैं यहाँ पर बता दूं कि यही खाद स्प्रे के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं, कम मात्रा में लगेंगे और उनके लाभ भी आप ज़्यादा ले पाओगे। अब मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा इसकी सस्ती डोज क्या हो सकती है, इसका सस्ता फॉर्मुलेशन क्या हो सकता है जिसका आपको भरपूर रिजल्ट मिलेगा और कम पैसे में मिलेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये सबसे महंगी डोज है, इससे महंगा कुछ नहीं हो सकता धान की फसल के लिए। और इससे सस्ता क्या हो सकता है वो मैं सबसे सस्ती डोज का एक फॉर्मुलेशन ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप ये अपनी डोज को बहुत सस्ता कर पाओगे और धान की संपूर्ण फसल आपकी अच्छे उत्पादन के साथ में पकेगी। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी कर दी हो, आप एक बार यूज करके देखिए इस टाइप के फॉर्मुलेशंस को भी। साथियों जब 36 से 72 घंटे में पहला खाद लगाने की बारी आती है, उस खाद को जरूरी नहीं है कि हम बुरकाओं के माध्यम से ही दें। बुरकाओं के माध्यम से लगाए जाने वाले खाद 10 गुने ज्यादा लगते हैं हमारे खेतों में। जब हम इस बुरकाओं के माध्यम से लगाए जाने वाले खाद को पानी के साथ घोल बनाकर अगर पौधे को पास तक पहुंचा दें, उससे हमारे पौधे की जड़ों को अवशोषित करने में उसे दिक्कत भी नहीं होगी। साथियों यूरिया खाद मात्र 6 किलोग्राम ले लीजिए, सरसों की खली 5 किलोग्राम, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन बनाइए, घोल बना लीजिए। ह्यूमिक एसिड इसमें 500 ग्राम डाल के 2 दिन पहले फुला दो और पानी के साथ में इसे टोटी के सहायता से पहले 36 से 72 घंटे के अंदर चला दो। देखिए जो खाद बुरकाओं के माध्यम से 30 दिन में 3 डोज दी जाती हैं, सिर्फ पानी के साथ घोल बनाकर 4 बार लगाना है, और जो मात्रा है यूरिया की वो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ ही रखनी है। 4 बार में आप 24 किलोग्राम यूरिया ही लगा पाओगे और घोल बनाकर आपकी फसल में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी डोज यहाँ पर जब हम 36 से 72 घंटे में पहली डोज लगा देते हैं तो 8 से 12 दिन यानी 8 दिन के बाद हमें दूसरे पानी के साथ में दूसरा खाद यूरिया यहाँ पर 9 किलोग्राम ले लेंगे, क्योंकि पौधा यहाँ पर थोड़ा स्वस्थ हो गया होता है, पौधे में ट्रिलिंग ज़्यादा हो गई होती है, तो पौधे को थोड़ा सा अपने भोजन को बढ़ाने में यूरिया की ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथियों DAP 6 किलोग्राम लेंगे, DAP यहाँ पर 2 काम करेगी। 6 किलोग्राम इसलिए, 2 किलोग्राम इसलिए फालतू डाली जाती है कि जब हम 8 दिन पर इसको पानी के साथ चला रहे होंगे तो DAP जब पानी के साथ घुलकर पानी तक पहुंचेगी तो वो वहां पर एक लेयर छोड़ेगी, परत छोड़ देगी, और धूप की सहायता से वो परत बहुत तेजी से काही में कन्वर्ट होगी, और काही आपके खेत में एक तो खरपतवार को कंट्रोल करेगी, दूसरा आपके खेत में पानी को सोखने में या पानी को मिट्टी को रोकने में काफी हद तक मददगार होगी। ठीक है, यहाँ पर आप 6 किलोग्राम DAP लेंगे, ह्यूमिक एसिड आपको 500 ग्राम इसके साथ मिक्स करना है। यहाँ पर आपको कीटनाशक यदि आप स्प्रे के माध्यम से नहीं लगाना चाहते हैं या आपने रिजेंट नहीं डाली है खेत के अंदर तो 250 ml फिप्रोनिल इसी घोल के अंदर डाल देंगे जब आप इसे चला रहे होते हैं, यानी कि आपने DAP और यूरिया का और ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन बनाया, घोल बन के तैयार हो गया और अभी आप पानी चलाने जा रहे हैं, तो उस समय पर बोतल से यहाँ पर 250 ml फिप्रोनिल डाल दो। ठीक है, फिप्रोनिल आपके खेत में बकानी को नियंत्रित करने में काफ़ी हद तक मददगार होगी। आपके खेत में बकानी के अगर कोई पौधा बन भी गया है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पर नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ 250 ml थायमोथॉक्सम भी इसके साथ में मिक्स करके आपको
पानी के साथ चलाना है। 250 ml थायमोथॉक्सम किस लिए चलाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर 250 ml आप डाल देते हैं तो ये आपके पौधे की जड़ों में लगने वाले रेड वॉर्म को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार होगा। जैसा कि आपने देखा, ग्रीष्म ऋतु के धान में भी रेड वॉर्म ने काफ़ी हद तक किसान भाइयों की फसलों को प्रभावित किया है। साथियों, यहाँ पर तीसरा खाद जब हम लगाने की बात करते हैं तो ये 12 से 20 दिन पर होता है, क्योंकि 8 दिन पर हमने लगा दिया एक खाद, 8 से फिर 12 से 20 दिन के बीच में हम कभी भी दे सकते हैं, 15 दिन, 16 दिन या 20 दिन तक। यहाँ पर यूरिया खाद हमें 6 किलोग्राम लेना है, फेरस सल्फेट हमें 3 किलोग्राम मिक्स करना है घोल में, और यहाँ पर नीला थोथा 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पानी के साथ में घोल करेंगे, और जिंक सल्फेट 33% वाला भी 1.5 किलोग्राम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि तीसरी डोज में यहाँ पर हमारे पौधे को फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट की जरूरत होती है। नीला तोता यहाँ पर कीटनाशक का काम करेगा, ये आपको लगभग 15 दिन तक कीट से प्रभावित नहीं होने देगा आपके पौधे को। साथियों, चौथी डोज हम यहाँ पर 30 दिन पर लगाएंगे, और चौथी डोज के अंदर 6 किलोग्राम यूरिया, 4 किलोग्राम डीएपी और पोटास 2 किलोग्राम यहाँ पर लेकर इसके साथ बोरॉन 200 ग्राम मिक्स करके अपने खेत में पानी के साथ चला देंगे। ये एक अच्छा एनपीके प्लस बोरॉन का कॉम्बिनेशन है, जो हमारे पौधे में 35 से 45 दिन के बीच में दिया जाता है, उसे हम 30 दिन पर दे देंगे। ये कितना सस्ता डोज बनेगा, आपका 30 दिन तक का ट्रीटमेंट संपूर्ण खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको फिर और कोई डोज लगाने की जरूरत नहीं है। यहां से आगे अगर आपको जरूरत है तो सिर्फ कीटनाशक की और फंगीसाइड की। कीटनाशक आपने कौन सा लेना है, यहां पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक ले लो, क्योंकि दूसरे हैवी डोजों के साथ भी आपको कीटनाशक डालना है। यहां पर आप, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कोराजन जैसी दवा ले लें, क्योंकि वो 70 से 75 ml आपकी एक एकड़ जमीन के लिए काफी रहती है, और यहां पर आपकी लगभग 150 ml डोज 2 एकड़ जमीन को कवर अप कर लेगी। तो मात्र 150 रुपए बीघा के हिसाब का खर्चा आता है, और इतने खर्चे में आप दूसरे कई प्रकार के कीटनाशक लगाते हैं, उनसे आपकी फसल यहां पर कंट्रोल नहीं हो पाती। कोराजन आपकी फसल को एक बार में कंट्रोल कर लेगा। 30 से 35 दिन पर एक बार कोराजन दे दीजिए खेत के अंदर, और फिर देखिए कितने गजब के रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर कीटनाशक आपका खत्म हो गया। आगे चल के जब 45 से 50 दिन का समय आए, स्प्रे के माध्यम से आप अपने खेत में एक सल्फर ले लीजिए, या 0050 लीजिए सीधे। 0050 के अंदर भी सल्फर की मात्रा होती है। 1 किलोग्राम 0050 के अंदर 100 ग्राम मात्र बोरॉन मिला के स्प्रे करो। ये कितना जबरदस्त फॉर्मुलेशन है साथियों, आपकी फसल को पका देगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मात्र अगर देखा जाए, कुछ साथी कहना चाहते हैं कि इतने सारे खाद कितनी बार लगाने हैं, मैं आपको बता दूं, यूरिया खाद मात्र 27 किलोग्राम 30 दिन में खर्च होगा आपका। कितना यूरिया आपका बचेगा, 10 किलोग्राम डीएपी आपकी खर्च होनी है, 25 किलोग्राम सरसों की खली आपकी लगेगी, यहाँ पर 1 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, 1 किलोग्राम नीला थोथा, 2 किलोग्राम पोटास, 1.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 3 किलोग्राम फेरस सल्फेट। अगर ये तत्व आप अपने फसल को दे देते हैं तो भी आपकी फसल पूरी पक जाएगी। यहाँ पर खर्चों की अगर मैं बात करूँ तो ये खर्चे कितने नियंत्रित हैं, कितने लिमिटेड हैं, और हर किसान परिवार इसको बहन कर सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने जा रही है। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बातें समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। लेकिन लिक्विड बना के, घोल बना के फसलों को देना शुरू कर दीजिए, ये आपकी कॉस्ट को बहुत कम लेकर आएगा आपकी फसलों में अच्छे रिजल्ट देने के लिए। ये बहुत जरूरी चीज है। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।